हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ दीपावली के लिए मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। इस लुक की मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, सो फाइनली आज टाइम निकाल के मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आय हाय मेरी आईज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर दे, आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, सो प्लीज़ अभी लाइक कर दे। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, पूरा वीडियो देख लो, अगर समझ में आया, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, ठीक है। ड्रेस मैंने लिया था सीतापुर से, बालाजी के यहाँ से। ज्वेलरी है ओरना बॉक्स की, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लिंक के थ्रू जाके ले सकते हो। सो चलो देखते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया। पहले फुल आउटफिट देख लो। ओहो अच्छा, तो अभी अदाएं और दिखानी है, इसके बाद आउटफिट दिखाना है। कोई नहीं, देख लो आप लोग थोड़े से मेरे मटके लटके झटके वैसे आईज मेकअप सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो चलो अब मैं दिखा ही देती हूँ मेरा फुल आउटफिट, आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो ना, दी फुल आउटफिट दिखा दो, तो भाई को पकड़ लेती हूँ, जब तक वो है तब तक आप लोग देख लो, इसके बाद दीपावली में वो चला जाएगा, तो फिर मैं फुल आउटफिट नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अकेले रिकॉर्ड करो, अकेले कैमरे का एंगल चेंज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक भाई है तब तक आप लोग भी मेरे फुल आउटफिट देख लो, वरना आउटफिट देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो @priyadeep। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर फेस क्लीनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं फेस क्लीन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ गिन्नी की वाइप्स। कई लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि मैं मेकअप लगाने से पहले ऑलरेडी मेकअप की रहती हूँ मेरे फेस पे, तो ये है प्रूफ, देख लो मैं कोई भी मेकअप वेकअप करके नहीं बैठती हूँ, आप लोगों के सामने ही स्टार्ट करती हूँ। तो अच्छे से मैं मेरे फेस एंड को क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि मेरे फेस पर कोई डस्ट वगैरह ना रहे, मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो जाए। अब बारी आती है टोनर की, तो मैं यहाँ पर टोनर के लिए यूज़ कर रही हूँ जीबी का रोज ग्लो टोनर, और विंटर के लिए टोनर परफेक्ट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अक्सर इसी टोनर को यूज करती हूँ। आप लोग अक्सर मेरे वीडियोस में इसे ही यूज करते देखते हैं, मतलब चेंज हो सकता है, वैरायटी चेंज हो सकता है, जैसे मैं अभी रोज़ ग्लो यूज कर रही हूँ, कभी टीट्री यूज कर लेती हूँ, कभी कुकम्बर यूज कर लेती हूँ, बट ब्रांड होता है जीबी का ही, क्योंकि मुझे जीबी ब्रांड काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ जीबी का रोज हिप सीरम, विंटर स्टार्ट है गाइस, सीरम यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं फाइन लाइन रिंकल से छुटकारा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू सीरम यूज करना स्टार्ट कर दें आप लोग। अब बारी आती है मॉइस्चराइजर की, तो मैं यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, जो कि है निविया ब्रांड का, अभी ये न्यू लॉन्च हुआ है, स्ट्रॉबेरी वाला है आई थिंक, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसे मैं मेरे फेस एंड नेक पे अच्छे से लगा ले रही हूँ। इसके बाद मेरा मेकअप ईजिली ब्लेंड हो जाएगा और लॉन्ग स्टे भी करेगा, और पैचेज भी नहीं आएंगे, काफ़ी ग्लोई ग्लॉसी लगेगा। तो मॉइस्चराइजर यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूले आप लोग। तो मैं इसको अच्छे से फेस एंड नेक पे अप्लाई कर ले रही हूँ कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो लेंसेज मेरी कैसी लग रही हैं बताइएगा ये भी। अब मैं यूज करूँ फेसेज की सीसी क्रीम, और ये भी काफ़ी अच्छी है गाइज। अच्छी क्यों है मैं आपको वो भी बताती हूँ, क्योंकि ये सीसी क्रीम फर्स्ट तो करेक्टिंग का काम करती है, सेकेंड इसे लगाने से पहले आपको प्राइमर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्राइमर होता ही है। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि फुल कवरेज के लिए ये सीसी क्रीम है, तो नहीं, कवरेज नहीं देती, डेली के लिए बेस्ट ऑप्शन है, डेली के लिए बीबीसीसी क्रीम चाहिए होती है, तो आप इसे डेली के लिए यूज कर सकते हो। इसे लगाने के बाद ना बिल्कुल फीलिंग आती है मूज फाउंडेशन वाली, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है और स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और लगा के ब्लेंड कर ली हूँ। अब बारी आती है कंसीलर की, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लगाई हुई थी, अगर आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो आपको कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं कंसीलर इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि कंसीलर ही मेरा एज अ आई प्राइमर वर्क करे। इसको लगा के अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ एक बफिंग ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, और ये ब्रश मैंने मंगाया था सीन से। अब एक कम्पैक्ट की हेल्प से इस कंसीलर को सेट कर लूँगी। आप लोग बोलते हो दी आईज मेकअप थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, बट जब मैं जूम करती हूँ ना, तो क्वालिटीज उतनी अच्छी नहीं आती है, आप देख लीजिए, मतलब फटाफटा सा लगता है। तो अब मैं इसे सेट करने के लिए यूज़ करूँ लैक में 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन। तो कुछ इस तरीके से मैं एक ब्रश की हेल्प से सेट कर ले रही हूँ मेरा कंसीलर। अब मैं यहाँ पर फेसेस का यूज कर रही हूँ आई पेंसिल, मेरा शेड है फॉरेस्ट ग्रीन, काफ़ी प्यारा शेड है, तो कुछ इस तरीके से लेके मैं लगा ले रही हूँ। अगर आप इस तरीके से स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो आप काफ़ी अच्छा सा आई शेडो लगा पाएंगे और बिल्कुल प्रो लुक मिलेगा आपको। तो आपको बस यही स्टेप फॉलो करना है, जूमिंग की वजह से क्लियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, सो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, जूम करने के लिए आप लोग ही बोलते हो और मैं मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ आज। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि एक स्मोकी इफेक्ट मिल जाए।
अब मैंने यहाँ पर आई शेडो के लिए यूज़ किया एले कलर्स का आई शेडो, क्योंकि एले कलर्स काफ़ी अफोर्डेबल ब्रांड है। यहाँ से मैंने इस सेट को पिक किया है कि स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं लगा ले रही हूँ। इसे मैं तब तक लगाऊंगी जब तक मुझे मेरे ड्रेस से मैच करता हुआ कलर नहीं मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही आपको लगाना है। और मैंने कलर पेंसिल जो मैंने यूज़ करी थी उसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया था। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया है निका के का लिक्विड आई शेडो और यह है ग्लिटर आई शेडो। मेरा सेट क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, गुड क्वालिटी का है और मुझे रिक्वेस्ट आई थी फिरोजी काइंड ऑफ ग्लिटरी आईज़ की, इसलिए मैंने शेयर किया। अब मैं यहाँ पर फेसेस का स्केच आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। वैसे इस टाइम यूज़ करना था मुझे लिक्विड आईलाइनर, बट मेरा मिल नहीं रहा था तो मैंने स्केच आईलाइनर ही यूज़ कर लिया। अगर आप ग्लिटर यूज़ कर रहे हो ना तो आपको लिक्विड आईलाइनर ही यूज़ करना चाहिए, उससे विंग ड्रॉ करना ईजी हो जाता है। बट कोई नहीं, फेसेस का जो जेल आईलाइनर जो स्केच आईलाइनर है काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है तो मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने ईजिली विंग ड्रॉ कर लिया। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ मिलानी का ट्रिफेक्टा लैस मस्कारा और ये भी काफ़ी अच्छा मस्कारा है। आप लोगों ने कई वीडियो में इसका गुणगान मेरे मुँह से सुन ही लिया है, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी आपको अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा काफ़ी सारे ब्रांड्स पे, क्योंकि दिवाली सेल चल रही है। purple.com पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे चल रही है, तो लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप लिंक के थ्रू जाके देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर फॉल्सीज लगा ली है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है जो कि है सुगर की न्यू लॉन्च मेटल मैट्स लिक्विड लिपस्टिक। मेरा शेड नंबर है 01 लायरा, काफ़ी प्यारा शेड है आप देख सकते हो। और मेरी इस ड्रेस के साथ ये शेड भी काफ़ी अच्छे से जा रहा है। आईज लुक मैंने बोल्ड करा हुआ है तो इसलिए लिप मैंने थोड़ा सा न्यूड रखने की कोशिश की हुई है। तो मैंने पहन ली मेरी ज्वेलरी। अच्छा हाँ बताओ, जो सुबह वीडियो आया था आप लोगों ने देखा कि नहीं, मेरी किस यूट्यूबर फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट भेजा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं जानूं कि आप लोगों ने मुझे देखा हुआ है शुरू से लेके अंत तक। सो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप लोगों से बोलना चाहती हूँ थैंक यू सो मच यार कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस ब्लॉग को इतना ज़्यादा पसंद किया, कल के ब्लॉग को। क्या बोलूँ यार, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स की, इतना ज़्यादा लाइक किया, थैंक यू सो मच। एंड आज के लिए बस इतना, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो या सजेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। सो आज के लिए बस इतना गाइज, बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।